हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ गए। नतीजों ने कांग्रेस को झटका दिया तो वहीं बीजेपी बाग बाग हो गई। रिजल्ट में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत था। उसने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है। लेकिन इस बीच योगेंद्र यादव की प्रतिक्रिया बहुत चर्चा में है। योगेंद्र यादव की वो भविष्यवाणी जिसका जिक्र इस वक्त हर कोई कर रहा है। चुनाव से पहले और वोटिंग के बाद तमाम एक्सपर्ट एग्जिट पोल टीवी पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा किया जा रहा था, लेकिन नतीजे इसके ठीक उलट आ गए। कांग्रेस की जीत का दावा राजनीतिक एक्सपर्ट योगेंद्र यादव ने भी किया था, लेकिन अपनी भविष्यवाणी गलत साबित होने के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। योगेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए हरियाणा चुनाव परिणाम पर विस्तार से बात की। उन्होंने वीडियो में कहा, आज के चुनाव परिणाम खास तौर पर हरियाणा के नतीजों को देखकर मैं हैरान हूं। शाम को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर परेशान हूं। चारों तरफ से दोस्तों के फोन और मैसेज आ रहे हैं कि ये क्या हुआ, मुझे भी पता नहीं क्या हुआ। पिछले एक महीने से मैं कह रहा था कि मैं सीटों की भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन मैंने कई बार कहा कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से आगे है और उसकी सरकार बनेगी। नतीजों के दिन भी शुरू में सारे चैनल तक इसी पर चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस कितना आगे जाएगी। जरा सुनिए योगेंद्र यादव ने अपने इस वीडियो में क्या। आज के चुनाव परिणाम खासतौर पर हरियाणा के चुनाव परिणाम को देख के आज सुबह से मैं हैरान और आज शाम को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद थोड़ा परेशान भी। चारों तरफ से दोस्तों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ये क्या हुआ। सच बताऊं मुझे पूरी तरह पता नहीं क्या हुआ। पिछले एक महीने से मैंने कहा कि मैं इलेक्शन भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा सीटों की, लेकिन मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, भाषण दे रहा हूं इस मान्यता के आधार पे कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से आगे है। मैंने एक से ज़्यादा बार कहा कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अब हवा है, आंधी है, उससे ज़्यादा है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था। ना हवा, ना आंधी, ना और कुछ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। जितने लोगों ने घूम के देखा उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा मुझे अभी तक नहीं मिला जिसने कहा, और बीजेपी का समर्थक भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आने वाली है। बहस सिर्फ इस पे होती थी कि कांग्रेस कितना आगे रहेगी। पिछले दो बार में 2014 में 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जितने भी वोट मिले हैं, विधानसभा चुनाव में चार महीने बाद उसके वोट हमेशा गिरे हैं। अपेक्षा थी कि इस बार भी ऐसा होगा। हम ग्राउंड पे घूमे, हमारे कई साथी मिलके ग्राउंड पे घूमे, देखा, साधारण लोगों से बात की, क्योंकि ऐसा किए बगैर मैं अपना मुंह नहीं खोलता हूँ। साधारण लोगों से बात की और हमारा अनुमान उसके बाद भी ये था कि हाँ, जमीन पे तो यही दिख रहा है कि कांग्रेस आगे है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अप हुई है, बीजेपी डाउन हुई है, और अगर ऐसा है तो कांग्रेस का मेजॉरिटी में आना स्वाभाविक था। जैसा मैंने कहा, जितने भी रिपोर्टर, एडिटर, संवाददाता, जिसने भी बोला, जिसको भी मैंने सुना या पढ़ा, एक भी नहीं मिला। आप आज भी पलट के देख लीजिएगा, अगर एक भी व्यक्ति ने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आ सकती है। तमाम एग्जिट पोल ने भी यही कहा। एक भी एग्जिट पोल नहीं है जिसका न्यूनतम वाला जो आंकड़ा है वो भी कहता हो कि कांग्रेस 45 से नीचे जा सकती है। मगर ये सब गलत हो सकते हैं, हम तो गलत हो ही सकते हैं, इंसान है, गलती हो सकती है। एग्जिट पोल तो गलत होते ही है, मैंने खुद ही साबित किया कि गलत है। मगर आज शाम को जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस में, वहाँ के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी ने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रमाण दिए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रमाण मैंने खुद देखा है, वो है नारनौल महेंद्रगढ़ जिले में। कांग्रेस ने कहा है ऐसी ही सूचनाएं उनके पास हिसार से भी हैं, पानीपत से भी हैं, और कहा है कि कल तक वो इस सारी सूचना को सार्वजनिक करेंगे। आरोप ये है कि कुछ काउंटिंग के दौरान कुछ ऐसे EVM मिले जिसमें 99% बैटरी पाई गई खुलने के बाद। अब इतने घंटे काम करने के बाद 99% बैटरी क्यों थी, और जिन बैटरीज में 99% बैटरी पाई गई वहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब थी अपेक्षाकृत दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरी EVM के जहां बैटरी कम थी। मतलब
अनकहा आरोप ये है कि उन ईवीएम के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया है, छेड़खानी की गई है, वोटिंग समाप्त होने के बाद उनसे कुछ किया गया है। अभी गंभीर आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सच है, हमारे पास अभी कोई प्रमाण इतना नहीं है उसको जांच करने का। चुनाव आयोग का जवाब भी मैंने पढ़ा, वो इतना टेक्निकल है कि मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, बैटरी और ये सब मुझे समझ नहीं आता, लेकिन मामला गंभीर है जिसकी जांच होनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ ये कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि इस सब के बारे में देश को आश्वस्त करे, चुनाव फेयर हो, निष्पक्ष हो, और जनता को दिखे कि निष्पक्ष है, दोनों जरूरी हैं। ये चुनाव आयोग कुछ समय से ऐसे काम नहीं कर रहा है, जनता के सामने पूरी स्थिति साफ करना, लोकसभा चुनाव के अंदर भी जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए दोनों में अंतर था, चुनाव आयोग ने आज तक स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो चुनाव आयोग से इतना मेरा अनुरोध है, हो सकता है आपकी बात सही हो सकता है अभी से कांग्रेस की बात पे विश्वास ना करें, लेकिन चुनाव आयोग जनता के सामने पूरे तथ्य रखे। चुनाव आयोग अपना काम करेगा लेकिन हम भी अपना काम करें, हम भी सोचें, एक क्षण के लिए मान लें कि जो परिणाम आया है वही है। हैरानी हुई शायद इसलिए कि हो सकता है हम गलत हुए, तो हम सोचें कि क्या गलती हुई होगी, सोचें कि ये परिणाम क्यों आया होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मुकाबला करने के लिए जितना काम करने की जरूरत थी विचार में जनता के बीच में वो सब काम हुआ। आज के परिणाम से किसान आंदोलन का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता, किसान आंदोलन की वजह से ही कांग्रेस मैदान में थी, उतने जो परिणाम हुआ उसके कारण ही कांग्रेस जो कि 30% पीछे थी 2019 में वो कांग्रेस मैदान में थी, लेकिन जो कुछ दूसरे चीज करनी थी वो क्या हुई। क्या जनता के मन में ये शंका रही कि भाई कांग्रेस आएगी तो इसका मतलब है एक जिले का राज, एक जाति का राज, एक परिवार का राज, क्या इसका समाधान, इस आशंका का निर्मूलन हुआ। क्या चुनाव में उस तरह की चुस्ती हुई जो कि होनी चाहिए थी, कांग्रेस के अलावा जन संगठनों को जितना काम करना चाहिए था क्या हमने उतना वो काम किया। मतलब कि जो चुनाव आयोग के सवाल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आज के इस नतीजे से हमारी चुनौती और गहरी होती है। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, इन सब चुनाव में पहले से भी ज़्यादा और गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हरियाणा में चुनाव का जो भी कारण रहा हो, जो भी वजह रही हो, अब उसे बीजेपी को वाइट वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ये दिखाया जाएगा कि बीजेपी को कोई धक्का पहुंचा ही नहीं था, ये जो लोकसभा चुनाव में हुआ तो कोई बात ही नहीं थी, अब वापस स्थिति वैसे ही आ गई है और इस सरकार का दमनकारी चरित्र वैसे ही आगे बढ़ेगा। इसलिए अब महाराष्ट्र में और झारखंड में और शिद्दत से काम करने की ज़रूरत है, लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है लेकिन हम सब की भी जिम्मेवारी है। दरअसल इसी बीच कांग्रेस का आरोप है कि काउंटिंग के दौरान कुछ ऐसे ईवीएम मिले जिन्हें खोलने के बाद भी 99% बैटरी मिली, जहां 99% बैटरी मिली वहीं कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब थी, जबकि कम बैटरी प्रतिशत वाली सीट पर कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन था। हालांकि कांग्रेस ने इसका सबूत देने की बात कही है, और साथ ही आपको बता दें कि योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी भी इस वक्त खूब चर्चा में है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।